हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम करीब आ रहा है 10th क्लास का, तो मैं एक पेपर शेयर कर रही हूँ आपसे पिछले साल का मैथ्स का बेसिक का, जो है सेट 2 का। ये आपको एक आइडिया दे देगा कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। टाइम होगा 3 आवर का, मार्क्स होंगे 80 मार्क्स का और टोटल 38 क्वेश्चन है। 15 मिनट्स आपको पेपर को स्टडी करने के लिए दिया जाएगा, मतलब रीड करने के लिए। उसमें आप रीड करिए और इस टाइम को ज़्यादातर एमसीक्यू सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। आपके 3 सेक्शन होंगे बेटा, 4 ए बी सी डी और ई। फर्स्ट सेक्शन आपका एमसीक्यू है 1 to 18 और 2 क्वेश्चन एसोसिएशन और रीजनिंग के हैं। आप यहाँ इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ सकते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन 1 इज ऑफ 1 to 18 एमसीक्यू क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन 19 and 20 विल बी ऑन एसोसिएशन एंड रीजनिंग, दैट इज़ ईच ऑफ 1 मार्क्स। तो 20 मार्क्स यहाँ से हो गया। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी है जो वहाँ है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि होते हैं 3 मार्क्स के। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। एंड सेक्शन ई यू विल हैव केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन carrying 4 marks with internal choice provided. Okay, now here it is mentioned pi value is to be taken pi 22/7. So first section is of MCQ. I'm scrolling for you. मैं आपके लिए scroll कर रही हूँ। आप video को रोक कर question को solve भी कर सकते हैं। So these are the MCQ question. आपको यहाँ से काफ़ी आइडिया हो जाएगा पेपर का कि क्वेश्चंस कैसे आपके एमसीक्यू के आते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से मस्ट क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्री से मस्ट है। देन योर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, एलसीएम एससीएफ बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन शायद आपको यहाँ नहीं मिले क्योंकि ये फुल टर्म का है। तो आपको एक आइडिया के लिए आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस पेपर। मैं हो सकता है जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीन को रोककर क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बेटा आपका बायलिंगुअल है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया। तो आपको 2 बार क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो डोंट वरी, पहले आपको हिंदी में दिया है पेपर, देन इट इज़ गिवन इन इंग्लिश। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेक्शन बी विच इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, लघु उत्तर प्रश्न। और ये है सेक्शन नंबर बी। कुछ आपको यहाँ सॉल्व करे मिलेंगे, उससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा। प्रूव दैट ट्रू 2 इज इरेशनल नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेक्शन योर सी विच कंटेन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दे आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। सो यू कैन हैव द लुक हियर।
दिस इज़ द बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, ये पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू. नाउ सेक्शन डी विच कंटेन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दीज आर ऑफ 5 मार्क्स ईच, 32 से 33, 34. विच वन क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन फिक्स है जो 5 मार्क्स में 34 या 35 क्वेश्चन पर आपको ज़रूर मिलेगा. जैसे यहाँ पेपर में 34 नंबर पे है, सेट टू सेट ये वेरी कर सकता है, मतलब वो 5 मार्क्स में ही मिलेगा आपको. तो स्टैटिस्टिक्स से आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं. अब आ जाते हैं आपका सेक्शन ई, जहाँ पे केस स्टडी का क्वेश्चन दिया हुआ है. बेटा केस स्टडी आपको 3 आएगी, जहाँ पे जो 4 मार्क्स की होगी. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस के अंदर सब क्वेश्चंस हैं, तो सब क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे स्कोर करने में. आपको अच्छे से केस स्टडी अपनी स्टडी करनी है और फिर इनके आंसर्स लिखने हैं. काफ़ी ब्राइटली, काफ़ी केयरफुली इसको स्टडी करना पड़ता है, तो उस चीज़ का ध्यान करना है. तो आप फर्स्ट 15 मिनट्स में या तो MCQ सॉल्व कर लीजिए या फिर इन केस स्टडी को के क्वेश्चंस को पढ़िए. मीन्स 15 मिनट्स पूरा पेपर एक थ्रू आउट स्टडी करिए और फिर जो आता है वो पेपर में कर दीजिए. सो दिस इज़ योर एंड ऑफ दिस पेपर. होप यू लाइक इट. प्लीज़ और भी जैसे ही मुझे पेपर मिलते हैं मैं ज़रूर शेयर करूँगी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. और जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो टेंथ में आने वाले हो, उनसे ज़रूर शेयर करिए. सो थैंक यू सो मच.